तो पिलामने पूर्व वीडियो रे आमे ही धातु और अधातु रो विभिन्न भौतिक धर्म बा फिजिकल प्रॉपर्टीज विषय रे आलोचना करथिलु एवं एही वीडियो रे आज हम आलोचना करिबा एही धातु और अधातु गुडी करो विभिन्न रासायनिक धर्म बा केमिकल प्रॉपर्टीज विषय रे आलोचना करिबा। तो चलो वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। तो देखो रासायनिक प्रतिक्रिया, तो पे रासायनिक प्रतिक्रिया मान कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया मान हूँ कौन ना जे गोटे मौलिक अन्य एक मौलिक बा जौगिक सब प्रतिक्रिया करी एक नूतन पदार्थ सृष्टि करी थाए। ए जो नुआ पदार्थ टी आम सृष्टि हला तार गुण आमर जो पूर्व जो पदार्थ टी थी तार गुण ठार संपूर्ण अलग होता है। तो यही विषय आज आम आलोचना करवा जे आम यही धातु और अधातु गुड़िक आमर अम्लजान जल अम्ल क्षार और लवण सह किपर प्रतिक्रिया करिसथांति से विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। तो देख प्रथम समय देखा जे धातु अम्लजान सह प्रतिक्रिया कले कौन होता है। तो देख यहाँ आम एक उदाहरण साहय बुझा। तो यहाँ देख आम गोटे धातु नवा। तो देख एठार किसी लुहा कंटा आम नवा एवं यही लुहा कंटार किसी को आम एक साधा कागज गुड़ाई रखा एवं आउ जो किसी लुहा कंटा रहीगला से गुड़ी को कौन करवा ना से गुड़ी को प्रथम पानी रे बुड़ाई दबा एवं पानी रे बुड़ाइवा परे ताकु सही साधा कागज मध्य गुड़ाई की रखी दबा। तो यही परी भावे यहाँ को यदि हमें सात आठ दिन ताकि अधिका रखी दबा तापरे जो आम बिना पानी गुड़ा जो लुहा कंटा जो कागज गुड़ाई था ताकु हमें यदि खोलिबा आम कौन देखिबा ना सेथिरे कोनोसी परिवर्तन होइना है। किंतु यदि आम जो गुड़ाक पानी रे बुड़े की जो साधा कागज भितर रखी थे यदि आम से गुड़ी लक्ष्य करवा आम देखा कौन हम ना से देखा जे से ही लुहा कंटार किसी मात्रा ईसत लाल रंगर किसी आवरण सृष्टि हो जाए। तो यही जो ईसत लाल रंगर जो आवरण सृष्टि है से गुड़क आम कौन कही था ना से गुड़क आम कही था कौन कलंकी बोली था कलंकी को आम इंग्राजी कौन कही था ना आम रस्ट बोली था। तो जेटा कि तुम्हें नर्माली भी देखुव बहुत जगार पूरा लुहाटा बहुत जगार भल थी कि गोटे गोटे जगार पूरा कलंकी खाई पूरा मटिया रंग रही पूरा खाई थो। तो जेक देखु तो किसी फटो दिखाई तुम यह देखिपार्थ एक देख किपर कलंकी सब खाई। तो यही जो बर्तमान ये कलंकी खाईगला तो यह किपरी है तो आस ताक आम बर्तमान एक रासायनिक प्रतिक्रिया मध्यम बुझा। तो देख आम मैंने कौन जानचे ना यही जो लुहा कंटा टी नहीं से किसी तैयारी थाए ना से आयरन धातु तैयारी थाए। तो देख यही आयरन धातु को आम जो जल मध्य बुड़ाइले तेल से किसी जल लगला एवं ताकू जो आम कागज मध्य रखिले सी किसी दिन भाई कौन है ना यही आयरन जल और अम्लजान सह प्रतिक्रिया कर आमर कौन पदार्थ सृष्टि कला ना से जो ईसर धूल रंग कौन है ना आयरन अक्साइड बा फेरस अक्साइड नामक एक पदार्थ टी सृष्टि हला। तो एबे एही जो कलंकी आम लगला एही कलंकी न लगे आम कौन कर देख आम एही कलंकी न लगे एगुड़ कौन कराई ना एगुड़ी को उपरे एक जिंक लेप दि जाए यही लिंक लेप दि जा फल से कौन सी कलंकी लग न था। तो यही लेप किपर दि जाए और यहाँ पर कौन कौन मान स्टेप्स निया ताकू तुम परवर्त श्रेणी में पढ़ो। तो एबे आमर जो आयरन अक्साइड बा जो फेरस अक्साइड सृष्टि हला ताहा अम्ल कि क्षार ताहा किपरि जानिबा। तो आस एहाकु एको परीक्षा करी देखिबा। तो देखो आम प्रथम कौन करिबा ना जो जो पदार्थ गुड़िकर कलंकी बहुत दिन हला लागि जाइथो सेगुड़िकर आम किछि खंड खंड नै आसिबा एवं ताकु आनि कौन करिबा ना टिके कुटिकी पूरा गुंड गुंड करदे एवं एहाकु गुंड गुंड करिकी गोटे काचो ग्लास रे यहाँ भितर पानी रखिकी ताकु भल पकेकी ताकु भल भाव गोळे दबा। तापर देख यही गोळे दबा परे एहा अम्ल ना क्षार आम किपर जानी परिबा ना एथि पय आम लाल लिटमस पेपर बा नील लिटमस पेपर नबा। तो देख यही जो एबे मिश्रण तयारी हेगला एहा भितर आम एबे लाल लिटमस एवं नील लिटमस उभय रखिदबा। तापर देखो किसी समय पर आम देखा जे क्योंटी परिवर्तन होची ना देखो किसी समय रखिला आम देखा
जे आमे देखिबो जे लाल लिटमस टी नीळ होइ जाउची अर्थात ए जो लाल लिटमस टी नीळ होइ गला ता माने कोन ना एहा क्षार अटे तो एही जो एबे हमर जो आयरन ऑक्साइड बा फेरस ऑक्साइड को आमे जो एबे पानी रे मिसाई देलु सेथिरे मधे एक पदार्थ नूतन पदार्थ टी सृष्टि हला जहाँ फल कि आम जाणी पारू जे यहाँ अम्ल कि क्षार तो ये क्यों पदार्थ टी किपरी सृष्टि है तो आस यू एक रासायनिक समीकरण मध्यम बुझा तो देख आम प्रथम कौन ने ना आम नहीं फेरस ऑक्साइड जार संकेत कौन ना एफई टू ओ थ्री ताको आम क्या सहित मिसेले ना जल सहित मिसेले जल संकेत कौन ना एच टू ओ ताप देख यह दुहें मिसी कौन सृष्टि है ना यह दुहे मिसी आम सृष्टि है फेरिक हाइड्रोक्साइड सृष्टि हला तो जहाँकि आम कौन देखिले ना क्षार अटे तो एवं आस आम धातुर अम्लजान सह प्रतिक्रियार आउ एक उदाहरण को लक्ष्य करवा तो देख यहाँ कौन नहीं मैग्नीशियम धातु एक पदार्थटी नवा तो देख एठार एक मैग्नीशियम फिताटी नि तो यही मैग्नीशियम फिताटी को कौन कराला ना यहाँ जदि आम जाद ताले कौन हम ना एक धला रंगर गुंड सृष्टि हे तो यही जो धला रंगर गुंड सृष्टि है यह कौन ना यह हूँ आम कौन ना मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये आस यू एक रासायनिक समीकरण मध्यम बुझा तो देख आम प्रथम कौन नहीं ना मैग्नीशियम धातु नहीं तो जार संकेत हूँ कौन ना एम जी एवं यहाँ आम अम्ल जाड़ीदे मान जाड़ीदा द्वारा कौन है ना यह अम्लजान सह प्रतिक्रिया अम्लजान संकेत कौन जान लें ना ओ टू बोली जाणी जाए तो देख यही मैग्नीशियम अम्लजान सहित प्रतिक्रिया कर एम जी ओ देला अर्थात एम जी ओ माने कौन ना यह हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जहाँ कि आम धला गुंड आकार बाहर तो ये आस पी देखा जे यो धला गुंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर से अम्ल हम कि क्षार हम तो देख पूर्वपुर आम कौन करवा ना एक आम जार पात्र नवा जो थे कि आम यही जो आम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो धला गुंड गुड़िक पाइले से रखा एवं से अल्प परिमाण में पा मिसाइबा पा मिसाइबापर आम कौन करवा ना एमें अम्ल क्षार जानाप कौन ना ना लाल लिटमस पेपर नवा एवं नील लिटमस पेपर नवा ताप देख यहाँ से रखिद किसी समय रखापुर आम देखा जे क्योंथर पर आसूस तो किसी समय रखापुर आम कौन देखा ना जे लाल लिटमस पेपर टी नील परिणत हो अर्थात लाल लिटमस पेपर टी नील हवा मान कौन ना जो पदार्थ जो सृष्टि है से गुड़क आम कौन ना क्षार हेब तो ये आम जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो धला गुंड टी बाहर ताकू जो ए पा सब मिसाइले से एक नुआ पदार्थ सृष्टि है तो से पदार्थटी कौन है आस रासायनिक समीकरण मध्यम देखा तो देख प्रथम कौन है ना से जो धला गुंड जहाँ कौन कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड बा एम जी ओ एवं यहाँ आम क्या सहित मिसाइले ना जल सांगे मिसाइले तो जल सहित जल संकेत कौन ना एच टू ओ एवं यह सहित मिसाइबा द्वारा कौन सृष्टि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि है तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि है ताहा एबे आम कौन जान ले ना क्षार अटे तो देख यू गोटे जिनस तुम लक्ष्य कर देख पूर्वर नहीं आयरन तो सेठ कौन सृष्टि ना आयरन ऑक्साइड कौन ने ना मैग्नीशियम नहीं कौन सृष्टि आम ना मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि तो ये आम कहीपर जे आम जो धातु को नवा एवं ताकू जल सहित प्रतिक्रिया करवा आम कौन पाइबा ना आम पाइबा धातव ऑक्साइड पाइबा एवं यही धातव ऑक्साइड गुड़िक सब कौन हम आम क्षार हेब तो ये आस आम यही अधातु अम्लजान ऑक्सीजन सह किपरी रासायनिक प्रतिक्रिया करोचना करवा तो देख एवं यही परीक्षा टी आस एक उदाहरण मध्यम बुझा तो देख यहाँ कौन कौन नवा ना यहाँ आवश्यकता पड़ो गोटे काच ग्लास आवश्यकता पड़ो एवं गोटे स्पिरिट बती नवा एवं यहाँ परीक्षा पाई आम कि अधातु अर्थात सल्फर को नवा एवं तापर आम आउ कौन नवा ना यहाँ गोटे औषध ठिपीर आवश्यकता पड़ो एवं किसी लुहा तार आवश्यकता पड़ो एवं किसी जल ना तो देख प्रथम कौन कराला ना ये औषध ठिपी
এবং এই যে ঔষধ টিপিটি রয়েছে এখন নিহাতি আমি ধাতুরে নবা কোন পাই এবে জানিপার তো দেখো প্রথমে আমি সেই তারটি এক এই ঔষধ টিপিরে ভালো ভাবে গুড়াই দেবা। গুড়াই দেওয়ার পরে কি হব যেপরি সেটা ন খসিব, তাপরে সেই ঔষধ টিপি মধ্যে কিছু সলফর গুণ্ডকু পকাইবা। তাপরে এহাকু আমার এই স্পিরিট ল্যাম্পরে বর্তমানে এহাকু গরম করিবা এবং এহাকু গরম করলে এই সলফরটি এবে জলিযিব এবং এহা জলিগলা পরে এহাকু কোন করিবা না সাঙ্গে সাঙ্গে এহাকু নেইকি সেই যে কাচ জারটি আমার থিলা সে কাচ জার মধ্যে রখিদেবা এবং তার উপরটিকু গোটে পাত্র বা ঢাঙ্কুণা দ্বারা বন্ধ করিদেবা। যাহা তাপরে কোন করিবা না এবে সেথিরু গ্যাস নিহাতি বাহুথিব যে সলফরটি আমার জলিবা পরে সেটু গ্যাস নির্গত হচ্ছে এবং সেথিরে আমি কোন করিবা না উপর আড়ু কিছু পানি পকাই দেবা এবং এই পানিকু পকাই দেওয়ার পরে আমি এই জারটিকু ভালো ভাবে হলাই দেবা। হলাই দেওয়ার ফলে কোন হব না এই যে গ্যাসটি যে বাহারিছে তাহা আমার সেই জল সাঙ্গে ভালো ভাবে মিশিযিব এবং তেবে জানিপারিবা যে এবে যে গ্যাসটি সৃষ্টি হেলা তাহা অম্ল কি ক্ষার। তো এবে দেখো আমি জারটিকু জলরে হলাইবা দ্বারা তাহা সেই যে গ্যাসটি সৃষ্টি হেলা তাহা আমার জলরে যাইকি মিশিগলা এবং এই জলকু এক আস গোটে পাত্ররে রখি নেবা। তারপর দেখো পাত্র রক্ষার পরে তাহা অম্ল কি ক্ষার জাঁয়া আমি সেথিরে পকাইবা নীল লিটমাস পেপর এবং লাল লিটমাস পেপর। তারপরে দেখো এই যে কিছু সময় এইপরি রখি দেওয়া পরে আমি কোন দেখিবা না যে আমার নীল লিটমাস পেপরটি লাল হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কোন না নীল লিটমাস পেপরটি লাল হওয়া মানে হল কোন না এহা অম্লীয় অটে। তো এই যে প্রতিক্রিয়ারে আমি ধাতুর ঠিপিটিয়ে নিয়েছিল কোন পাই না দেখো যদি আমি ধাতুর ঠিপিটিয়ে ন নবা আমি যদি তাকে তারপরে স্পিরিট ল্যাম্প রখি গরম করিবা তাহলে তো সে ধাতু অছি বলি গরম হেলা, যদি আমি অধাতু বা আউ কোনসি জিনিস নেই থাকে সে তো গরম হি হই না থাকে তাহলে আমি প্রতিক্রিয়াটি বি হই পার না থাকে এবং আমি এই কোন বাহারিব তাহা বি আমি জানি পারি না থাকে তেমন সেটি ধাতু ঠিপিটিয়ে নেওয়া যাই থাকে। তো এবে আস দেখিবা যে এই প্রতিক্রিয়ারে যে পদার্থটি সৃষ্টি হেলা তাহা কোন তাকে এক রাসায়নিক সমীকরণ মাধ্যমে দেখিবা। তো দেখো আমি কোন নিয়েছিলে না সলফর অধাতু নিয়েছিলে যার সংকেত কোন না এস এবং এহাকু আমি গরম করিকি গরম করে দ্বারা কোন হেলা না এহা জলিগলা। জলিগলা মানে এহা কাহা সহ প্রতিক্রিয়া করিব না এহা জলিগলা মানে অম্লজান সহ প্রতিক্রিয়া করিব এবং অম্লজান সহ প্রতিক্রিয়া করিবা দ্বারা আমার কোন সৃষ্টি হেলা না সলফর ডাইঅক্সাইড বা এসও টু সৃষ্টি হেলা এবং তারপরে আমি কোন করলে না তাকু জল সহিত হলাইবা দ্বারা আমার এই গ্যাসটিকু জলরে দ্রবীভূত হয়ে গলা, অর্থাৎ সলফর ডাইঅক্সাইডটি আমার জল সহ প্রতিক্রিয়া কলা এবং এহা জল সহ প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমার কোন সৃষ্টি হেলা না সলফিউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি হেলা এবং এই সলফিউরিক অ্যাসিডটি সৃষ্টি হওয়ার পরে আমি কোন দেখিলে না যে আমার নীল লিটমাস পেপরটি লাল হয়ে গলা, অর্থাৎ এই যে আমার সলফিউরিক অ্যাসিডটি আমার সৃষ্টি হেলা তাহা অ্যাসিড অটে বা অম্লীয় অটে। তো সেইপরি আস আউ এক উদাহরণকু লক্ষ্য করিবা কোন না দেখো যদি আমি কার্বনকু নবা বা কার্বনর সংকেত আমি কোন জানছে না সি, এই কার্বনকু যদি আমি জলাইবা তাহলে এহা কোন হব না এহা অম্লজান সহ প্রতিক্রিয়া করে কোন সৃষ্টি করিব না কার্বন ডাইঅক্সাইড বা সিও টু সৃষ্টি করিব। তারপরে এই সিও টিকু যদি পুনর্বার সেই পূর্ব পরীক্ষা রকম আমি যদি পানিরে তাকে দ্রবীভূত করাইবা আমার কোন সৃষ্টি হব না কার্বনিক অম্ল সৃষ্টি হব। তো এহা যে এই যে কার্বনিক অম্লটি সৃষ্টি হব তাহা মধ্যে অম্লীয় হব। তো এবে আস আউ এক উদাহরণকু লক্ষ্য করিবা। তো দেখো এখানে আউ এক ধাতু নিয়া হয়েছে কোন না ফসফরস যার সংকেত হচ্ছে কোন না পি। তোমাকে মু আগরু কোন কইতিলি না এই ফসফরস ধাতুটি বহু প্রতিক্রিয়াশীল অটে, অর্থাৎ এহাকু খোলারে রখিলে এহা অম্লজান সহ প্রতিক্রিয়া করি যাইথায়। তো দেখো এই ফসফরস আমার অম্লজান সহ প্রতিক্রিয়া করলে কোন হইথায় না দেখো যদি আমি ফসফরসকু অম্লজান সহ প্রতিক্রিয়া করিব আমার কোন সৃষ্টি হব না ফসফরস পেন্টক্সাইড সৃষ্টি হব, অর্থাৎ P2O5 সৃষ্টি হব। তারপরে দেখো এই যে ফসফরস পেন্টক্সাইড সৃষ্টি হেলা তাহা অম্ল কি ক্ষারীয় তাহাকু জানা পাই আমি পুরো কোন করিবা না এহাকু আমি এক পানিরে মিশাই দেবা এবং এই জল সহ প্রতিক্রিয়া করাইবা দ্বারা এবে আমার কোন সৃষ্টি হব না আমার এটি সৃষ্টি হব ফসফরিক অম্ল সৃষ্টি হব এবং এই ফসফরিক অম্লরে
जदि आम पुणी कौन करवा ना लाल न्यूट्रॉन सपर ए नील न्यूट्रॉन सपर बुड़ाई रखा आम कौन देखा पाइबा जे ना नील न्यूट्रॉन सपर टी आम लाल हो जाए तो यह मान कौन ना यह अम्लीय अटे अर्थात जो आम फॉस्फोरिक अम्ल टी सृष्टि अम्लीय अटे तो ये तुम्हें गोटे जिनस लक्ष्य कल जे अधातु गुड़िकम अम्लजान सह प्रतिक्रिया कर कौन सृष्टि करा आम अधातु ऑक्साइड सृष्टि करधातु ऑक्साइड गुड़िक आम अम्लीय अटंती तो ये आउ गए जिनस तुम मन रख एक्सेसन टी कौन अच्छी ना आमर सब अधातु गुड़िक आम अम्लजान सह प्रतिक्रिया करु आयोडीन हूँ एक अधातु जी कि अम्लजान सह प्रतिक्रिया कैना तो ये आम देखिले जे अधातु गुड़िक अम्लीय होती धातु गुड़िक आम क्षार होती तो जदि तुम यहाँ मन रखि पार यह तुम किपर सहजे मन रखिपार आस गोटे टीप्स दिखाई कौन देख आम कौन देखिले ना धातु गुड़िक धातव अक्साइड सृष्टि करोगुटा कि आम कौन हो क्षार हो देखिले अधातु गुड़िक आम अधातु अक्साइड सृष्टि करोगुटा कि आम अम्लीय तो देखो यहाँ आम किपर एवं मन रखिपर तो तुम्हें क्या मन रख ना देखो अधातु को ही मन रख देखो अधातुर प्रथम अक्षर टी कौन ना अ एवं सेटा अम्लीय ना क्षार ना अम्लीय तार प्रथम अक्षर अ तो ताले जब अधातु है तार जो पदार्थटी सृष्टि हम ताे आरंभ हम तो आम अ को मन रखिदेले आमर हो तो जहाँ भी अधातु देले जब पचारे अम्लीय ना क्षार हम ना जो किसी मन न पड़े तुम्हें कौन मन रख ना अधातुर तो प्रथम अक्षर ओ एवं सी जो पदार्थ सृष्टि कर तार प्रथम अक्षर ओ ताले ओ माने कौन ना अम्लीय तो जदि अधातुटी आम अम्लीय सृष्टि करुच्ची बाकी जो रही किए धातु ताले सी कौन हम ना सी तार अपोजिटा हम बा उल्टाटा हम कौन ना क्षार हम ताले तुम्हें अधातुर मन रखिदेले भी तुम्हें यह मन रखी पार तो ये आस आम देखा जे यही धातु और अधातु गुड़िक जल सह किपर प्रतिक्रिया कर तो देख प्रथम आस आम लक्ष्य करवा धातु गुड़िक जल सह किपर प्रतिक्रिया कर तो देख यही धातु गुड़िक जल सह प्रतिक्रियापाई आम एम कौन नवा ना गोटे सोडियम धातु को नवा तो पूर्वर तुम मैं कौन कही ना यही जो सोडियम धातु टी रही हूँ एक बहु प्रतिक्रियाशील धातु यह जल ओ ऑक्सीजन संस्पर्श से आसवा मात्रे ये साये सांग प्रतिक्रिया करे तेणु यह कौन पोटासीयम को सब खाली बोतल के रखा जाए ना यह किरासी मधुरे बुड़ी रखा जाए तो तुम्हें यहाँ सब मन रखे सोडियम और पोटासीयम को सब किरासी मधुरे बुड़ी रखा जाए यहाँ मे भी क्वेश्चन पकई पाए तो यही जो सोडियम धातु टी आम रहा आम खाली हाथ में धरी न था कहीं ना जदि आम यहाँ खाली हाथ में धरवा भूल वशत जब आम हाथ में किसी पानी अंश रही तेज यही सोडियम धातु टी सांगे सांगे प्रतिक्रिया कर हाथ आम हाथ को क्षति हो पाए तेणु यह सब आम चिमटा साहरी था आम कौन जानते ना सोडियम धातु टी अत्यंत नरम होता है तेणु यह कौन कराई ना छुरी द्वारा काटि छोट छोट खंड कराए प्रतिक्रिया करने तो ये आस आम एक प्रतिक्रिया जाना जे ही सोडियम जल सह प्रतिक्रिया कले कौन हुए तो एम कौन करवा ना देख आम ना प्रथम 250 ml जल नवा एवं यही जो सोडियम गुड़ी आम जो किरासीन मधे बुड़ाई रखि ताकू बाहर करी फिल्टर कागज द्वारा यह पोछिकी वायु संस्पर्श न आसापी तुला मधे रखा जाए तापर देख यो छोट छोट खंडली गुड़क एम कौन करवा ना यहाँ एम से ही पानी भितर धीरे धीरे पकड़ पकड़ापर यही सोडियम धातु गुड़िक जिते जल सह संस्पर्शन आसी जाते तेज सांगे सांग प्रतिक्रिया आरंभ हो प्रतिक्रियार शेष कौन सृष्टि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि होता है तो देख सोडियम जेहेतु एक बहुत प्रतिक्रियाशील धातु तेणु यही परीक्षा करने समय तुम्हें टी दूरता बजाय रख सहित सावधानता बजाय रखर देख जी तुम्हें यही प्रतिक्रिया सरलापर तुम्हें जदि से काच जाटी को धरव तुम्हें कौन देखा पाइब ना काच जाटे तुमको गरम लगे कारण यही जो प्रतिक्रिया सोडियम आम जो जल सह प्रतिक्रिया करने द्वारा एथेरे बहुत ताप निर्गत होता है तेणु आमर काच जाटी गरम लगी
तो एबे हमर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड टी हमर सृष्टि हैला ताहा अम्ल कि क्षार जाना पे हमें कौन करवा ना से उभय नील लिटमस और लाल लिटमस पेपर पकाइबा। तो आम मैंने कौन जानचे ना सोडियम हूँ गोटे धातु और पूर्व आम कौन जानचे ना सोडियम गुड़िक क्षार होता तथापि आस देखा कौन हो देख ए लाल लिटमस पेपर और नील लिटमस पकड़ापर आम कौन देखा पाइबा जे लाल लिटमस पेपर टी नील होता यह क्षार अटे। तो ये जो देख आम जो सोडियम धातु टी जो जल सह प्रतिक्रिया करें एथिरे किछि मात्रा रे निया मध्य लागि जाय थाए। तो एथिरे निया काही कि लागि थाए आसो से विषय टिके जानिबा। तो देखो जेतरा सोडियम धातु टी हमर जल संस्पर्श रे आसी थाए सेतरा कोन होए ना देखो जल अणु टी प्रथम भांगी जाय थाए एवं जल अणु टी भांगी कोन होय थाए ना एच प्लस एवं ओ एच माइनस आयन रे परिणत होय जाय थाए। तो एच प्लस ओ एच माइनस आयन रे परिणत होवा परे आमर जो सोडियम धातु टी रही सीए सी ओ एच माइनस पाखे जाए ओ एच माइनस सहित लग जाठी कौन हो गला ना एन ओ एच जोटा कि आम कौन ना सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं जो एच प्लस जो आयन गुड़िक रहीगला से गुड़िक प्रति दुईटी हाइड्रोजेन आयन परस्पर सह मिसी कौन है ना हाइड्रोजेन गैस सृष्टि होता है। तो देख ए कौन पर लगे ना आम कौन जानचे ना हाइड्रोजेन टी निजे जले एवं यही जल्वाई तापर आवश्यकता पड़ता है एवं यही जो प्रतिक्रिया जो सोडियम जल सहित कला ए बहु ताप सृष्टि होता है एवं यही ताप हाइड्रोजेन को सहयोग करें जल्वे। तो जहाँफल हाइड्रोजेन टी आमर जल उठे एवं आम को अल्प मात्रा निया देखा जाए। तो एस यार रासायनिक समीकरण टी लक्ष्य करवा। तो देखो कौन है ना आम सोडियम धातु को नहीं जार संकेत होन एवं जो जल सहित प्रतिक्रिया कला जलर संकेत कौन ना एच टू एवं आम कौन कौन सृष्टि है ना आम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात एन ओ एच एवं हाइड्रोजेन बा एच टू एवं ता सहित आम कौन सृष्टि है ना ताप सृष्टि है। तो आउ एक धातु जो आम जानते कौन ना धर पोटासीयम यही पोटासीयम को मध्य जब आम जल सह प्रतिक्रिया करें कौन सृष्टि हे ना पोटासीयम हाइड्रोक्साइड सृष्टि हम एवं तेल यह कौन हम ना यह आम क्षार हम। तो आस देखा जो अधातु गुड़िक जल सह किपरि प्रतिक्रिया करें। तो देख यही जो अधातु गुड़िक रही अधातु गुड़िक जल सह प्रतिक्रिया करती ना। तो ये आम देखिले धातु गुड़िक जल सह प्रतिक्रिया किंतु सबु धातु गुड़िक साधारण जल सह प्रतिक्रिया करती ना से गुड़िक जल सह केवल एक निर्दिष्ट उपाय द्वारा ही प्रतिक्रिया करगुड़ कौन आस विस्तृत भाव में जाना। तो देख एटा गोटे टेबुल टे दी या लक्ष्य कर। तो देख आमर जो कैल्शियम और लिथियम रही सेगुड़िक साधारण जल सह प्रतिक्रिया करती ना एवं सेगुड़िक आमर थंडा जल सह प्रतिक्रिया करपर देख मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एगुड़िक फुटंता जल सह प्रतिक्रिया करगुड़ साधारण जल सह प्रतिक्रिया करती ना। तापर देख अच्छी कौन ना लुहा यह आम साधारण जल सह प्रतिक्रिया करें किंतु यही जो प्रतिक्रिया बहुत धीर मात्रा होता है और आम कौन जानचे ना जेहेतु एगुड़िक धातु एगुड़िक जल सह प्रतिक्रिया द्वारा जो पदार्थ टी सृष्टि करेंगे सेगुड़ कौन हम ना से सब क्षार हो। तो ये आस आम देखा जे यही धातु और अधातु गुड़िक आमर अम्ल सह किपर प्रतिक्रिया करें। तो देख विभिन्न परीक्षण देखा जे आमर यही धातु गुड़िक अम्ल सह प्रतिक्रिया करने द्वारा से हाइड्रोजेन गैस सृष्टि होता है जेहेतु यही हाइड्रोजेन गैस टी सृष्टि होता है से पप पप शब्द टी आसी थाए किंतु जब आम अधातु को लक्ष्य करवा आम देखा जो अधातु गुड़िक अम्ल सह कौन सी प्रतिक्रिया कर न था जहाँफल से कौन सी पप शब्द आसी न थाए किंतु देख यही धातु गुड़िक मध्य गोटे व्यतिक्रम रही व्यतिक्रमटी कौन ना से व्यतिक्रमटी हूँ आम कपर धातुटी आम लघु सल्फ्यूरिक लवण सह कौन सी प्रतिक्रिया कर न थाए। तो ये आस आम देखा जे यही धातु और अधातु गुड़िक क्षार सह किपर प्रतिक्रिया कर। तो देख विभिन्न परीक्षण देखा जा आमर यू धातु गुड़िक
आमर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार सह प्रतिक्रिया करने द्वारा आमर हाइड्रोजन गैस टी सृष्टि होता है जहाँफल से पप शब्दी आए कि अधातु को लक्ष्य करवा देखा जो अधातु गुड़िक क्षार सह कौन सी प्रतिक्रिया करती ना जहाँफल से पप शब्दी आसी न था। तो ये आस आम देखा जी धातु अधातु गुड़िक लवण सह किपर प्रतिक्रिया कर। तो प्रथम आस आम देखा जे धातु आमर यही लवण सह किपर प्रतिक्रिया कर। तो देख यहाँ आम प्रथम कौन नहीं आम एक जिंक धातु नहीं लवण में आम नहीं कौन ना कॉपर सल्फेट नहीं। तो देख यही जो प्रतिक्रिया हम आम जिंक कॉपर सल्फेट सह प्रतिक्रिया कर। तो देख कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टी प्रथम आम कौन थाए ना ता नील रंगर थाए कि यह जिंक सह प्रतिक्रिया करापर कौन हुए ना ता वर्णहीन हो जाए एवं जो आम जिंक धातु टी रहीगला ताऊपर लाल रंगर आवरण सृष्टि होता है। तो ये आस प्रकृत किपर प्रतिक्रिया होता है आस रासायनिक समीकरण मध्यम आपको बुझा। तो देख कौन हो तो यही जिंक आम सीओ एस पर सह किपर प्रतिक्रिया करें आस देखा। तो देख प्रथम कौन होता है जो जिंक ये कॉपर सल्फेट सह प्रतिक्रिया करें प्रथम कौन हुए ना यही सीओ एस पर टी भांगी जाए जहाँफल जिंक आमर जो कॉपर जो एसपर सहित लगी था से कॉपर टी को बाहर कर दे था एवं यही जिंक टी जाकि कॉपर जगार लग जाए जहाँफल कौन सृष्टि हुए ना आमर जेड एन एसपर सृष्टि एवं कॉपर धातुटी आमर अलग रही जाए था। तो यही प्रतिक्रिया को एवं भल भाव लक्ष्य कर। देख कौन है ना जो सीओ एसपर था एवं जिंक धातुटी गला कॉपर टी को बाहर करदेला सी से कॉपर जगह जाकि लगला। तो यार कहीपर कौन है ना जिंक धातुटी तार कॉपर ओरिजिनल स्थान रू विस्थापित करदेला बाहर करदेला ये ता जगह टी अधिकार करने तेणु यही प्रतिक्रिया को हमें कौन कही था आम विस्थापन व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली। तो देख विस्थापन अर्थ कौन ना विस्थापन मान है ना गोटे जगार जन को काढ़ी ता जगार आउ जड़े जा लग जा जोटा कि आम करूँ किए ना जिंक। तो ये आस आउ एक परीक्षा को लक्ष्य करवा। तो देख एठार एक धातु निहाई एथे कौन धातु निहाई ना आयरन को निहाई अर्थात एफई को निहाई एवं एथे लवण किए अच्छी ना लवण अच्छी आमर से कॉपर सल्फेट रही। तो देख धातुटी से कॉपर सल्फेट सह प्रतिक्रिया करने द्वारा एठार विस्थापन प्रतिक्रिया होता है। तो यार विस्थापन कौन हम ना देख यही आयरन टी जा सीओ एसपर में कॉपर धातु जगह टी अधिकार करनब एवं कॉपर को सी बाहर करदेव एवं ये यही एफई जाकि एसपर सह लग कॉपर धातु टी अलग हो तेरे आमर जो एफई एसपर सृष्टि तार नाम कौन एवं कॉपर धातु टी तार अलग होकर रहीगला। तापर देख यही प्रतिक्रिया जो आम कॉपर सल्फेट टी प्रथम कौन हो जाए ना यह नील रंगर थाए कि जो प्रतिक्रिया हो जाए से जो आम फेरिक सल्फेट टी सृष्टि होता है ताम कौन हुए ना तामर ईस सबुज रंगर हो जाए आमर जो आयरन टी थी ताऊपर लाल रंगर आवरण पड़ी जाए। तो धातुर लवण सह आउ एक प्रतिक्रिया को लक्ष्य करवा। तो देख आम जो पूर्व प्रतिक्रिया करते आम कौन सृष्टि होता ना आम सृष्टि होता से आयरन सल्फेट टी सृष्टि होता है यहाँ आम क्या सहित प्रतिक्रिया करवा ना से प्रथम जो आम नहीं जिंक ता प्रतिक्रिया करवा। तो ये कौन हम देख तो ये कौन हम ना विस्थापन व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम। तो ये देखा किए क्या विस्थापित कर डिस्प्लेसमेंट कर ना देख यही जिंक धातुटी एसपर सहित जो आम लग रही किए ना एफई ताकू से विस्थापित करदेव अर्थात ताकू बाहर करदेव एवं यही जिंक जाकि एसपर धातु सह लग। तो ये देख पदार्थटी कौन सृष्टि है ना जेड एन एसपर सृष्टि है। तो यही जेड एन एसपर आम नाम कौन जानजे ना यह हूँ आम कौन ना जिंक सल्फेट होता है एवं आमर जो आयरन धातु टी रही अलग हो रही जाए। तो यही प्रतिक्रिया पूर्वर आम जो आम फेरिक सल्फेट टी नहीं कौन थी ना ईस सबुज रंगर थिला एवं जिंक सह प्रतिक्रिया पर यह वर्णहीन हो जाए जिंक धातु पर
एक धलार रंगर आवरण आसी जाए था। तापर देख एस देखा जे अधातु गुड़िक आमर यह लवण सह किपर प्रतिक्रिया कर तो देख विभिन्न परीक्षार आम देखा जे आम ये अधातु गुड़िक अच्छा एगुड़िक लवण सह कौन प्रतिक्रिया कर न था। तो एस आम धातु और अधातु गुड़िकर विभिन्न उपकारिता विषय जानवा। तो देख आम दैनंदिन जीवन में जहाँ भी सब आम चारिपट देखुचे से गुड़िक सब आमर धातु और अधातु निर्मित होता है। तो देख धातु भितर आम कौन कौन जानचे ना सोडियम कैल्शियम पोटासीयम आयरन इत्यादि से अधातु गुड़ लक्ष्य करवा कौन कौन ना नाइट्रोजेन ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस इत्यादि। तो एगुड़िक सबू जिनस आमर बचापी निहाती दरकार होता है किपर ना देख जदि मैंने प्राणी मान लक्ष्य करें कौन देखा ना यही प्राणी मैंने बचापी आम वायुमंडल अम्लजान को प्रश्वास ग्रहण करते। तो यही अम्लजान जदि न था प्राणी मान बची पारते ना से गुड़क सब मरी जाते। तो से उद्भिद मान लक्ष्य करवा आम कौन देखा ना उद्भिद मैंने खाद्य प्रस्तुति आम वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते। तो जदि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लक्ष्य करें कौन देखा ना कार्बन डाइऑक्साइड जार संकेत हो कौन सीओ टू ए सी मान कार्बन रही अ मान ऑक्सीजन रही। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन उभय दरकार गच को तार खाद्य प्रस्तुति करने एवं यही जी कार्बन डाइऑक्साइड न था तेज उद्भिद गुड़िक बची पारते ना। तो यही कारण कौन देखे ना देख प्राणी मैंने बचापी अम्लजान दरकार एवं उद्भिद मैंने बचापी कार्बन डाइऑक्साइड दरकार। तो देख एगुड़िक आमर जनकर प्रत्यक्ष भाव खाद्य होता बेले अन्य जनकर परोक्ष भाव खाद्य होता है किपर ना देख आमर उद्भिद में आम कौन देखिले ना सीए तार खाद्यपाई वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करुँ सीए तार शेष कौन दे था ना अम्लजान निर्गत करें। जो अम्लजान निर्गत है क्या दरकार होता है ना यह दरकार होता है आमर क्या ना आम प्राणी मान दरकार होता है जोटा कि प्रश्वास ग्रहण करते ग्रहण करापर शेष कौन दे था ना कार्बन डाइऑक्साइड दे था जोटा कि कहार दरकार पड़ी ना उद्भिद मानकर दरकार। तो देखो यहीपर भाव यही चक्र आम प्रकृति में चली आसुअ जहाँ फल आम आज बची रही छड़ा आम जो खाद्य पाई धातु सार स्नेह सार पुष्टि सार इत्यादि जहाँ भी सब पाऊे से गुड़िकमर यही धातु और धातु द्वारा गठित होता है। ता छड़ा आम एवं देखु मनुष्य बहुत जिनस सब तैयारी कर सारा कौन कौन ना आम जो दैनंदिन जीवन में आम जो प्लास्टिक व्यवहार करे जो मेडिसिन खाऊे एगुड़िकमर धातु और धातु निर्मित होता है। ता छड़ा देखिपत जो आम बड़ बड़ कलकारखाना सब रही बड़ बड़ कलकारखाना गुड़िक धातु और धातु निर्मित होता है। ता छड़ा आम जो एम जो कृत्रिम उपग्रह सब पठा महाकाश को सेगुड़िकमर विभिन्न धातु और धातु को नहीं गठित होता है। तो कहवाक गई धातु और धातु गुड़िक आम दैनंदिन जीवन में बहु काम आसी थाए। तो पाने तुम यही धातु और धातु चैप्टर टी ए सरीगला तो ये भिडटी को भल भाव देख एवं जदि कौन सी पार्टी तुम बुझीपाल दुई तीन थर देख एवं तासह बही पढ़ जहाँफल बही रे तुम जहाँ देम कौन बुझेलु ताकू तुम सहजरे बुझीपार एवं मन रखी पार। तो जदि भिडटी भल लगी तेज भिडटी को लाइक करदेव एवं जदि आम चैनल टी सब्सक्राइब कर तेरे तले जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन बटन अच्छी ताकू क्लिक कर करदेव एवं जदि तुम पार ताले यही भिडटी को तुम सांग सहित सेयार कर जहाँफल से चैप्टर टी भल भाव बुझी पारे एवं दरकार पड़े यही भिडटी को देखी सारापर तुम मैंने तुम सांग सह बस डिस्कसन आलोचना कर तुम मान भाई जहाँ भी डाउट थी से गुड़क क्लीयर हे और तुमने परस्पर भितर भल भाव बुझाणा कर बुझी पार एवं तापर भी तुम किसी डाउट रही जाऊँगी तेबे तुम्हें आमको कमेंट करके जाना आमे निहाती तुम्हारो डाउट टी सॉल्व।